दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। दरभंगा में शराब तस्करों का तांडव, जांच के दौरान पुलिसकर्मी को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार पुलिस के एसआई ने सीबीआई के एसपी को किया गिरफ्तार। नेपाल से लापता व्यवसायी की हत्या से जुड़ा दरभंगा का कनेक्शन, जांच शुरू। सहायक अभियंता बन नाम किया रोशन। नासिर इमरान अभी न्यायिक हिरासत में। किशोरी को भगाने में सहयोग का लगा आरोप, कोचिंग संचालक की पेड़ से बांधकर पिटाई। पंचायती राज की योजनाओं से बीडीओ और डीडीसी होंगे बेदखल। एक दिन में कोरोना के नए केस 73% बढ़े, 24 घंटे में 125 नए मरीज मिले। बाढ़ के बीडीओ की भावपूर्ण विदाई। अब खबर विस्तार से। दरभंगा में शराब तस्करों का तांडव, जांच के दौरान पुलिसकर्मी को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के दरभंगा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शराब तस्करों ने जांच के दौरान अपनी गाड़ी से एक पुलिसकर्मी को रौंद दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला केवटी थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि पुलिस देर रात थाने के आगे ही सड़क से गुजरने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान शराब से लदी स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने जांच के डर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शराब तस्करों का जवान कुचलते हुए भागने लगा। बिहार पुलिस के एसआई ने सीबीआई के एसपी को किया गिरफ्तार। खुद को सीबीआई एसपी बताकर लोगों से ठगी करने वाला अमोल कुमार को मोतिहारी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर गिरफ्तार अमोल कुमार ने 1 साल पहले ही शादी की थी। पुलिस ने यह भी बताया कि फर्जी सीबीआई अधिकारी बन शादी करने वाला अमोल कुमार लड़की के घर वालों से 25 लाख रुपए बतौर दहेज भी वसूल कर चुका है। मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि नकली सीबीआई एसपी अमोल कुमार के पास 50,60,000 नगद के साथ फर्जी आई कार्ड, सीबीआई की सील, भारत सरकार का सील और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के फर्जी मुहर भी बरामद हुए हैं। बताया गया कि गिरफ्तार फर्जी सीबीआई अधिकारी अमोल कुमार लोगों को डरा धमकाकर पैसे की उगाही किया करता था। नेपाल से लापता व्यवसायी की हत्या से जुड़ा दरभंगा का कनेक्शन, जांच शुरू। नेपाल से लापता व्यवसायी की हत्या मामले में दरभंगा का कनेक्शन जुड़ने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद दरभंगा पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि फिलहाल कोई अधिकारी इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि लापता व्यवसायी की हत्या के बाद उसके एटीएम से दरभंगा सहित दिल्ली में रुपए की निकासी की गई है। सबसे पहले दरभंगा के लहरिया सराय स्थित जीएनगंज रोड में स्थित पीएनबी के एटीएम से 15,000 रुपए की निकासी हुई है। इसके बाद 85,000 रुपए दिल्ली के विभिन्न एटीएम की निकासी की गई है। यह जानकारी मृतक के स्वजनों को जब मिली तो हैरत में पड़ गए। सहायक अभियंता बन नाम किया रोशन। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक अभियंता की परीक्षा में लहरिया सराय थाना क्षेत्र के नाका 6 के निवासी रोशन प्रसाद ने 15वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बेहतर रैंक लाकर परिवार का नाम रोशन किया। उन्होंने दरभंगा से ही एक निजी स्कूल से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास की, उसके बाद जयपुर से बीटेक किया, फिर उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत की, अंततः उन्हें सफलता मिली। उन्होंने बताया कि सफलता के पीछे उनके पिता उमेश प्रसाद, माँ उषा देवी व बड़ा भाई सुमन प्रसाद की अहम भूमिका है। इन लोगों की वजह से उनका हौसला बरकरार रहा। नासिर इमरान अभी न्यायिक हिरासत में। दरभंगा बॉम्ब ब्लास्ट मामले के आरोपी इमरान और नासिर को एनआईए कोर्ट ने 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं आरोपी कफिल और सलीम भी 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। किशोरी को भगाने में सहयोग का लगा आरोप, कोचिंग संचालक की पेड़ से बांधकर पिटाई। बिहार के नालंदा में एक कोचिंग संचालक पर किशोरी को भगाने में सहयोग का आरोप लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि चंडे थाना इलाके के लालगंज स्थित एक कोचिंग संचालक और उसके साथी पर ये आरोप लगे, जिसके बाद उसकी पेड़ से बांधकर पिटाई की। पंचायती राज की योजनाओं से बीडीओ और डीडीसी होंगे बेदखल। दरअसल जिला मुख्यालय में डीडीसी के पास ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारी होने की वजह से पंचायती राज विभाग की योजनाओं पर सही ढंग से निगरानी नहीं कर पा रहे थे। वहीं प्रखंडों में कमोवेश यह स्थिति बीडीओ के साथ बनी रहती है। ऐसे में सरकार ने बीडीओ और ईओ पर काम के दबाव को कम करने का निर्णय लिया है। एक दिन में कोरोना के नए केस 73% बढ़े, 24 घंटे में 125 नए मरीज मिले। कोरोना को लेकर लापरवाही मत कीजिए, सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, क्योंकि चिंता फिर बढ़ रही है। सिर्फ 4 दिन में बिहार में कोरोना के नए केस 73% बढ़ गए हैं। 12 जुलाई को प्रदेश में 72 नए केस मिले थे, 15 जुलाई को यह आंकड़ा 125 पर पहुंच गया। प्रदेश में 4 दिन का यह ट्रेंड देखने से यह साफ है कि हर दिन केस बढ़ रही है।
तीसरी लहर की आशंका के बीच यह ठीक संकेत नहीं है। यह स्थिति बता रही है कि अनलॉक में लापरवाही हो रही है, अभी भी नहीं संभले तो स्थिति फिर बिगड़ सकती है। बाढ़ के वीडियो की भावपूर्ण विदाई। बाढ़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार सिन्हा का तबादला सिवान हो जाने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान बड़ा मामिर्क नजारा देखा गया। जब अमरेंद्र को अपने विदाई पर कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपने गायिका का अंदाज दिखाया। उन्होंने किशोर कुमार का एक गाना गाया। जैसे ही गाना शुरू किया वहां मौजूद लोग भाव विभोर हो गए और कई प्रखंड कर्मियों की आंखों में आंसू देखा गया। वीडियो का भावभीनी विदाई दी गई। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।